डिस्टेंस में किसी भी दूसरे व्यक्ति को क्लींज कैसे करें, क्लींजिंग प्रोसेस समझ लीजिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग सेंटर पे आके नहीं सीख पा रहे हैं, घर बैठे सीख रहे हैं ऑनलाइन, तो उनको क्लींजिंग का प्रोसेस समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। जैसे कि आप किसी भी दूर बैठे व्यक्ति को हील करते हैं डिस्टेंस में अपने बॉडी के ऊपर पार्टनर बना के, तो यहाँ पर बॉडी के ऊपर पार्टनर नहीं बनाना है, लेकिन उसकी इनर बॉडी को सामने लेकर आना है, राइट। अब सपोज करिए कि सामने बैठकर किसी व्यक्ति को क्लींज करना है। कैसे क्लींज करते हैं कि सामने उसको बैठा देते हैं कुर्सी पर या स्टूल पर या नीचे लेटा देते हैं, कैसे भी जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से आप उसको बैठा दिए। चलिए अब क्या करना है कि उस व्यक्ति के इनर बॉडी को सामने लेकर आना है। बहुत सही समझिए, सही तरीके से समझिए, क्योंकि बताने की तो कोशिश हमारी है कि मैं सही बता दूं। तो अब कैसे करना है उसका सिस्टम मैं बताता हूं, स्टार्टिंग कैसे करनी है, शुरुआत कहां से करनी है। आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई पार्टनर। इसको हिंदी में बोलिए, मैं अपना आभार मानता हूँ, मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का आभार मानता हूँ, मैं अपने पार्टनर का आभार मानता हूँ। तो उस पार्टनर का नाम ले लीजिए। देखिए, कभी भी रेकी करने जाते हैं, हीलिंग करने जाते हैं, या एट्यून करने जाते हैं, या आप डिस्टेंस में उसको क्लींज करना चाहते हैं या हील करना चाहते हैं, तो हर बार रेकी की शुरुआत, रेकी कॉल करने की जो शुरुआत होगी यही होगी, इसी तरह से करना है। तो आपने पार्टनर को याद कर लिया, उसका नाम ले लिया, उसकी नाम, एज, एड्रेस, फोटो आपके पास है, राइट है। अब उसकी इनर बॉडी को विजुलाइज कीजिए और उसका नाम लीजिए। जैसे मान लीजिए उसका नाम है रमेश, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, ब्रजेश, कुछ भी, तो उसका नाम लीजिए, रमेश प्लीज कम, रेकी की हेल्प से तुम हमारे पास आओ। और उसकी इनर बॉडी को विजुलाइज करिए, और इनर बॉडी को विजुलाइज करके ले आइए और सामने चेयर पे बैठा दीजिए, ठीक है, ऐसे बैठा दीजिए। फील करिए, विजुलाइज करिए कि उसकी इनर बॉडी आपके सामने है। अब आपने रेकी कॉल कर लिया है पहले से, कॉल करने के साथ साथ में आपके हाथों से रेज निकल रही है, रेकी एनर्जी निकल रही है, डिवाइन एनर्जी, प्योर एनर्जी, ये आपको मालूम है। अब दोनों हाथों को क्या करेंगे, उसके ऊपर जिसे ये सिर है और बैठा नीचे पूरी पैर तक बैठा हुआ, ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे, ये प्रोसेस क्लींज करने का, अब रेकी से क्लींज हो रहा है यानी कि एनर्जी निकल रही है, तो अब क्या करेंगे, क्लींज करके यहाँ पे सॉल्ट वाटर डाल देंगे। यहाँ पे एक प्लास्टिक का बाउल रखिए सॉल्ट वाटर नीचे, और उसमें इसकी क्लींजिंग करके जो नेगेटिविटी निकालेंगे वो डाल देंगे। अच्छी तरह से विजुलाइज करेंगे कि उसके बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी नेगेटिविटी है वो सब रिमूव हो रही है, और उसके जो चक्रा है, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्स है, सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा, और उसको बिल्कुल एक बार में ऐसे करके क्लींज कर सकते हैं। यहाँ से एनर्जी भरपूर निकल रही है, फुहारा निकल रहा है एनर्जी की, ठीक है ना, ये फील करना है, और उसके ऊपर से ऐसे निकाल के कचरा साफ करके डाल देना है। डालने के बाद से अपने हाथों को साफ करना, क्योंकि आपके हाथों के ऑरा में उसकी नेगेटिविटी चिपक गई है। अब ये सॉल्ट वाटर है, यहाँ पे आप डालते जा रहे हैं नीचे सॉल्ट वाटर, राइट। जितना गहरा विजुलाइजेशन करेंगे ना, उतना ही अच्छी क्लींजिंग होगी, बेस्ट क्लींजिंग, और आप क्लींज कर लीजिए इसको, ठीक है। 2-3 मिनट फ्रंट का क्लींज करिए। अब उसके दोनों पैरों को ऐसे पकड़िए और ऐसे घुमा दीजिए, राइट, तो उसका पोर्शन बैक साइड का आपकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि जब ऑफलाइन में सामने बैठाकर क्लींज करते हैं तो क्या करते हैं, पीछे घूमिए करके बोलते हैं, तो वो घूम जाता है, तो लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे घुमाना है, दोनों टांग पकड़ के ऐसे घुमा देना है, फ्रंट का बैक हो जाएगा। अब पीछे का लीजिए पूरी बॉडी, वैसे तो फ्रंट से ही उसकी पूरी क्लींजिंग हो गई, लेकिन बेटर क्लींजिंग के लिए आप बैक साइड से भी क्लींज करिए अच्छी तरह से।
और ये क्लिंजिंग तब करिए जब आप हीलिंग करने जा रहे हो, उसकी फुल बॉडी या सेवन चक्रा हीलिंग करना हो, तो उसको वहाँ पे आपने बैठा दिया है, वो चाहे अमेरिका में बैठा हो या जापान में बैठा हो, कहीं भी उसको आपने वो टाइम दे दिया कि इस टाइम पर हम हीलिंग करने वाले हैं, तो आप लेट जाओ या बैठ जाओ, गहरी लंबी सांस लेते रहो और ये अफर्मेशन ले लो हमने उनको, आप व्हाट्सएप के वॉइस के थ्रू वो आप उसके प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन क्या है पॉजिटिव अफर्मेशन बनाकर भेज दीजिए, वो अपना हेडफोन लगाकर सुनता रहेगा बैठकर चुपचाप, लंबी गहरी सांस लेता रहेगा, रिलैक्स रहेगा या लेट जाएगा या बैठ जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन आप दे देंगे उसको। उसी वक्त जब उसका टाइम स्टार्ट होगा तो उसी वक्त आप यहां से ये क्लिंजिंग प्रोसेस पहले 10 मिनट तक क्लिंज करिए, उसको एक घंटे के लिए बिल्कुल लॉक कर दीजिए कि आपको एक घंटे के लिए लेट जाना है या बैठ जाना है, ये अफर्मेशन सुनना है और ये बोलते रहना है, दोहराते रहना है, लंबी गहरी सांस लेते रहना है, जीभ को तालू में चिपका के रखना है, ये प्रोसेस उसको बता दीजिए, वो ऐसा करता रहेगा, राइट। और यहाँ पे आपने शुरू के 10 मिनट तक क्लिंज किया, अच्छी तरह से क्लिंज करके अपना भी क्लिंज कर लिया, उसके बाद अब उसके सातों चक्र या फुल बॉडी को हीलिंग करना शुरू कीजिए। हीलिंग का प्रोसेस आप जानते हैं, जो हीलिंग डिस्टेंस में करी जाती है जिस तरह से, अब उसकी पूरी बॉडी को अपने बॉडी पर ले लीजिए, जैसा कि अब उस व्यक्ति की बॉडी को अपने बॉडी पे कैसे लेते हैं और क्या प्रोसेस करते हैं, इसकी एक वीडियो पहले बन चुकी है और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक में है, जिस वीडियो का नाम है कि डिस्टेंस में दूसरे व्यक्ति को कैसे हील करें, इसका क्या सही तरीका है, इस नाम से लिंक है, आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन जाइए, क्लिक करिए, पूरी वीडियो आपके सामने जाएगी, उसको ओपन करके देख लीजिए अच्छी तरह से, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे अब क्लिंजिंग के बाद हीलिंग करते हैं और लास्ट में कैसे रेकी को लॉक करते हैं, ये पूरा प्रोसेस उसके अंदर है। तो ये जब आप क्लिंज करेंगे और हील करेंगे डिस्टेंस में, ये पूरा मेथड आपको समझ में आ जाएगा दोनों वीडियो देखकर, फिर आप किसी भी व्यक्ति को डिस्टेंस में क्लिंज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। ध्यान रखिए लॉक करना ना भूले लास्ट में, और उसके बाद से कट 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 लास्ट में कट कट जरूर करेंगे, क्योंकि उसकी ऑरा और आपकी ऑरा आपस में मर्ज हो गई है क्लिंजिंग करते समय भी और हीलिंग करते समय भी, तो उसकी जो नेगेटिविटी है आपके अंदर आ गई है और आपकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, अगर आप पॉजिटिव में कंटिन्यू हैं एज ए हीलर, आपको पॉजिटिव में ही रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, नेगेटिव में रहकर हील करेंगे, किसी तरह का उदासी चिंता घबराहट बेचैनी में रहकर घबरा कर बेचैन होकर परेशान होकर तो उसको हील करेंगे तो आपकी नेगेटिविटी उसके अंदर चली जाएगी, तो क्लिंज होने की बजाय और वो नेगेटिविटी में चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव में रहना, एज ए हीलर एकदम पॉजिटिव गुड फीलिंग में रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे, मेंटल फिजिकल इमोशनल सब, तब जाके वो एनर्जी जब आपके अंदर से निकलेगी तो उसको हील करेगी, क्लेंज करेगी। आप ही के अंदर अगर नेगेटिविटी भरी हुई है तो उसको कैसे हील करेगी, ये समझना है। क्योंकि जब आप एज ए हीलर किसी को भी कॉन्टैक्ट करते हैं फिजिकली सामने आमने या डिस्टेंस में, जैसे ही रेकी से कनेक्ट करते हैं तो उसकी पूरी ऑरा आपकी ऑरा से कनेक्ट हो जाती है, तो आपकी ऑरा में अगर पॉजिटिविटी फैली हुई है तो वो आपकी ऑरा में आ गया तो आपके अंदर से उसको पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो गई, तो क्लिंजिंग हीलिंग तो उसी समय उसको स्टार्ट हो गई। तो इसलिए आपको पॉजिटिव में और क्लिंज पहले से रखना होगा, पॉजिटिव में रहना होगा, खुश रहना होगा, तब हील करेंगे। इस तरह से आप करिए, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, डिस्क्रिप्शन उसमें जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिख दीजिए, कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, या व्हाट्सएप कनेक्ट करिए, नंबर आपको दिख रहा है इस पे स्क्रीन पर, वहां से आप व्हाट्सएप नंबर लीजिए और हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।